जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज बात करूंगा नेपोटिज्म के बारे में। आप कहीं पर भी हो, किसी भी जगह में हो, लेकिन आपको नेपोटिज्म हर जगह मिलेगा। नेपोटिज्म का अभी हाल ही में आपको एक नतीजा भी मिला है। बॉलीवुड में आपको पता है नेपोटिज्म इतना ज़्यादा है कि किसी सही टैलेंट को भी वो प्रमोट नहीं करता। बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा मात्रा में है। वहाँ पर परिवारवाद इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि कोई भी अपने परिवार के बाहर का टैलेंट देखना पसंद नहीं करता। अगर फिर भी कोई अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी काबिलियत से आगे बढ़ रहा है, उसके भी ये दरवाज़े बंद कर देते हैं, उसको पीछे खींच देते हैं। उनके पास आते हुए मौके, ये चुपके से उन मौक़ों को ख़त्म कर देते हैं। ऐसे ऐसे नेपोटिज्म के उदाहरण हमारी बॉलीवुड में मिलते हैं। वैसे तो आपको ये राजनीति में भी मिलेंगे, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो वहाँ पर भी मिलेंगे। नेपोटिज्म भरा पड़ा है। कोई भी परिवार के बाहर नहीं जाना चाहता। सभी को परिवार बहुत पसंद है। सब चाहते हैं कि वो उसका परिवार, उसके परिवार के बच्चे कामयाब हो, उनका नाम हो। इसी वजह से गधों को भी वो पहलवान बनाने की कोशिश करते हैं, गधों को वो शेर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये परिवारवाद की परिभाषा ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। दुनिया बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुकी है। दुनिया देखती है, एक बार देखेंगी दुनिया, दो बार देखेंगी, लेकिन जब उनको पता चल जाता है कि इसके पल्ले कुछ नहीं है, वो सरासर उसको नकार देगी। इसकी उदाहरणें बहुत है हमारे पास, राजनीति में भी मिल जाएगी और आपको बॉलीवुड में भी मिल जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि ये कब तक चलेगा ऐसा? मतलब परिवारवाद से बाहर निकल कर अगर हम सही टैलेंट को प्रमोट कर देंगे तो इसमें घाटा क्या है? ज़बरदस्ती की चाहत, ज़बरदस्ती अपने बच्चों को ज़बरदस्ती प्रमोट करना और बार बार फिर थोपने की कोशिश करना कि हाँ ये एक एक्टर है, ऐसा नहीं है। ये हमें डिसाइड करना है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच्चा एक्टर है, कौन झूठा एक्टर है। ये हमें डिसाइड करना है, ना कि ये ज़बरदस्ती हम पे थोपा जाए कि नहीं इसको तुम पसंद करो। ये लोग इतने ज़्यादा बेशर्म हो चुके हैं कि अपने परिवारवाद से कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहते। अपने परिवारवाद में रहकर नेपोटिज्म का सहारा ले लेकर इन्होंने कई सारे लोगों का करियर ख़राब किया है। बॉलीवुड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास टैलेंट था, जो अपने बलबूते पे वहाँ पर आए, अपनी पहचान बनाई, लेकिन अपनी पावर के बल पर, अपने पैसे की पावर के बल पर इन्होंने उनका करियर ख़राब कर दिया और उनका करियर तबाह कर दिया। इतनी ज़्यादा ईगो भरी हुई है इन लोगों में, इतनी ज़्यादा ईगो भरी हुई है कि इन लोगों ने अपनी ईगो का सहारा लिया। अपनी ईगो को ख़त्म करने के बजाय दूसरे लोगों का करियर ख़त्म किया है। बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी हाल ही में आपको उनके ख़िलाफ़ आपको FIR भी दर्ज होती नज़र आएंगे। ये बहुत सारे उदाहरण। लेकिन आज का जो ज़माना है ना, ये सोशल मीडिया का ज़माना है जिसमें लोग अवेयर हो चुके हैं, जिसमें लोगों को ये पता चल गया है कि क्या सही है, क्या गलत है, किसका सपोर्ट करना है, किसका नहीं करना है। अब समझ लग गई है लोगों को और लोग खुलकर सपोर्ट कर भी रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। कंगना रनावत ने सच में बॉलीवुड का एक चेहरा बाहर निकाल दिया है। वो 1.5 मिनट की वीडियो में उन्होंने ना ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जो सच में वो रियलिटी बताई है, जो ये कहती है कि कितना ज़्यादा इस बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, कितना ज़्यादा लोगों में ईगो है, कितना ज़्यादा पैसे की पावर का घमंड है कि वो उनकी फिल्में तक नहीं चलने दे रहे, उनको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं दे रहे, उनको सिनेमा तक उनकी फिल्म नहीं जाने दे रहे। बार बार उनकी फिल्मों को फ्लॉप कहकर बताया जा रहा है, इवन देन वो एक अच्छी फिल्में होने के बावजूद भी। तो सही है और नहीं तो कंगना रनावत के लिए एक ताली तो बनती है। कंगना रनावत इज़ रियल हीरो। वो आज चाहे जैसी भी है, अपने बलबूते पे वहाँ तक पहुँची है, उसने अपनी पहचान बनाई है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आपके सपोर्ट से
मैं सच में कुछ नया कर सकता हूँ, आपका कोई सुजेशन है तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।